पीओके के लोगों ने पाकिस्तान को सुनाई खरी खोटी। पाकिस्तान को पीओके में जमकर लगाई गई लताड़। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू और कश्मीर पहुंचे थे, जहां कश्मीर के लिए सरकार ने खजाना खोल दिया। फिर क्या था, जैसे ही ये खबर पाकिस्तान वाले कश्मीर पहुंची यानी पीओके तक पहुंची, तो लोगों ने पाकिस्तान को खूब खरी खोटी सुना डाली और पीओके के लोग पाकिस्तान पर भड़के हुए नजर आए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। अनुच्छेद 370 के हटने के बाद से लगातार कश्मीर में विकास से जुड़े काम हो रहे हैं, जिसे देखकर पीओके के लोग पाकिस्तान पर भड़के हुए हैं। पीएम मोदी जम्मू कश्मीर के विकास में लगातार लगे हैं। इस बारे में जब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लोगों से पूछा गया तो उनके अंदर का दर्द सामने आ गया। एक शख्स ने तो सरकार को कोसते हुए कहा कि गांव तक 5 रुपए का भी विकास कार्य नहीं हुआ। इसके साथ ही ये भी कहा गया कि आटा महंगा होता जा रहा है और घरों में बिजली नहीं आ रही। जब जम्मू कश्मीर और पीओके की तुलना की गई तो लोगों ने कहा कि हम बहुत पीछे हैं और पीओके कभी भारत के कश्मीर जैसी तरक्की नहीं कर पाएगा। पीओके के लोगों ने कहा, हमें भारत के जम्मू कश्मीर से मुकाबला करने के लिए बहुत समय लगेगा, हम उनके साथ तुलना नहीं कर सकते, वो हमसे बहुत आगे हैं। जिसे हम गुलाम कश्मीर कहते हैं, वहां भारत ने बहुत कुछ बना दिया है। वहीं एक शख्स ने कहा कि रियासत माँ होती है, लेकिन यहां हमें नौकरियों से निकाला जा रहा है, हमारी जो कमाई थी उसे छीन लिया गया है, पाकिस्तान सरकार बेरहम होती जा रही है। एक शख्स ने यह भी कहा कि आजाद जम्मू कश्मीर के पीएम की तरह ही पाकिस्तान का पीएम होना चाहिए। एक दूसरे शख्स ने कहा कि प्याज 300 रुपए किलोग्राम मिल रहा है, वहीं आटा तो मिल ही नहीं रहा। भारतीय कश्मीर के लोगों को सस्ती बिजली मिलती है, जबकि पाकिस्तान की सरकार हमारी ही बिजली हमें 75 रुपए यूनिट में देती है। एक और शख्स ने कहा कि बेरोजगारी ऐसी है कि 2-3 दिन से लोग भूखे हैं, उनका पेट नहीं भर रहा। यानी ये कहा जा सकता है कि जिस पाकिस्तान की बदहाली के किस्से दुनिया में अब आम हो चुके हैं, वहां पीओके के हालात किसी से छिपे नहीं हैं। आए दिन पाक सरकार के खिलाफ आवाजें उठती रहती हैं, लेकिन इस पीओके को लेकर पाकिस्तान दुनिया में किस तरीके से दिखावा करता है, उसे भी अब आपको जान लेना चाहिए। दरअसल पीओके पर शासन पाकिस्तान चलाता है, लेकिन वहां प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पद भी हैं। दुनिया को दिखाने के लिए पीओके में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक है, लेकिन जमीनी हालात कुछ और ही है, जो हम आपको इस वक्त बता रहे हैं। कहते हैं पीओके का पूरा क्षेत्र काकाकोरम की मनोहारी पहाड़ियों से लैस है। यहीं पर हिंदू कुश और तिरिचमीर नाम के दो पर्वत भी हैं। पर्यटन यहाँ की अर्थव्यवस्था का मुख्य जरिया रहा, लेकिन आतंकवाद और पाकिस्तान की बदहाली से पूरा क्षेत्र प्रभावित है और स्थानीय लोग परेशान हैं, और यही दर्द यहाँ के लोग बयां कर रहे हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि पीओके में सब कुछ ठीक नहीं है। महंगाई है, भुखमरी है, और यहाँ के लोग कई चीजों से जूझ रहे हैं। पाकिस्तान सरकार के खिलाफ यहाँ प्रदर्शन हो रहे हैं। पीओके के गिलगित बाल्टिस्तान में तो लोग भारत के साथ जुड़ने की मांग तक कर रहे हैं। पिछले दिनों यहाँ लोगों ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर के साथ बकायदा पाकिस्तान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया था, जो सवाल खड़े कर रहा है कि क्या पीओके में कुछ भी ठीक नहीं। पीओके के लोगों का गुस्सा इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि पाकिस्तान की सरकार उनके संसाधनों को खर्च कर रही है, लेकिन क्षेत्र को फायदा नहीं दे रही। ऐसे में क्षेत्र एक तरह की गृह युद्ध की तरफ बढ़ता दिख रहा है। पीओके की जनता से टैक्स ज्यादा लिए जा रहे हैं, इस क्षेत्र से बिजली सबसे ज्यादा पैदा होती है, लेकिन जनता को बिजली का भुगतान ज्यादा करना पड़ता है। दरअसल पीओके में शिया समुदाय की अच्छी खासी तादाद है। पाकिस्तान की सरकार शियाओं की संख्या को कम करना चाहती है। ऐसे में पाक सरकारों ने लगातार पीओके में सुन्नी मुसलमानों को बसा दिया है, इसलिए भी स्थानीय जनता गुस्से में है। फिलहाल बार बार पीओके के लोगों से पाकिस्तान की सरकार वहां के हालात सुधारने की बात करती आई, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हो सका। इसलिए तो भारत के कश्मीर की तस्वीर देखकर पीओके के लोग पाकिस्तान की सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। खैर, पाकिस्तान के बारे में तो हर कोई जानता है कि पाकिस्तान सिर्फ झूठ बोलता है, और यही झूठ वो पीओके के लोगों के साथ बोल रहा है, यानी हालात को सुधारने की बात कर रहा है, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं।
क्योंकि भारत के कश्मीर की तस्वीर देखकर पीओके के लोग पाकिस्तान से कई सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन उन सवालों का जवाब पीओके के लोगों को पाकिस्तान नहीं दे रहा, क्योंकि दुनिया जानती है कि पाकिस्तान झूठ बोलता है और पीओके के लोगों के साथ भी पाकिस्तान यही कर रहा है। ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।